ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों के बीच भारत रूस से सस्ते में इसका आयात बढ़ा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और ये कई महीनों से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस का क्रूड ऑयल सस्ता है, इसका फायदा भारत और चीन जैसे देश उठा रहे हैं। क्रूड ऑयल की बड़ी खरीद के चलते अप्रैल महीने में रूस से भारत का कुल आयात बिल बढ़कर $2.3 बिलियन पर पहुंच गया है, जो ठीक एक साल पहले की तुलना में 3.5 गुना है। वहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत ने रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का ही आयात किया। रूस से भारत के कुल आयात में कच्चे तेल का हिस्सा $1.3 बिलियन यानी 57% रहा। भारत ने रूस से कच्चे तेल के अलावा जिन चीज़ों का आयात किया उनमें कोयला, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, फर्टिलाइजर्स और नॉन इंडस्ट्रियल हीरे शामिल हैं। रूस से भारत की बड़ी खरीदारी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वह अप्रैल महीने में इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बाद क्रूड ऑयल का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। आंकड़ों के अनुसार कुल आयात की बात करें तो अप्रैल महीने में रूस छठे स्थान पर रहा। ठीक एक साल पहले रूस कच्चे तेल के मामले में 7वें सबसे बड़ा सप्लायर था और टोटल इंपोर्ट में वह 21वें स्थान पर था। आयात और निर्यात मिलाकर यानी कुल व्यापार के मामले में इस साल अप्रैल के दौरान रूसों का भारत 9वां सबसे बड़ा भागीदार रहा। दोनों देशों के बीच अप्रैल महीने में $2.42 बिलियन का व्यापार हुआ है। इस दौरान रूस को भारत का निर्यात सालाना आधार पर 59% गिरकर महज $96 मिलियन पर आ गया। भारत ने रूस को लोहा व इस्पात, दवाएं, समुद्री उत्पाद और वाहनों के कल पुर्जों का निर्यात किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।